नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड बाय स्कोप में आपका स्वागत है। गलवाल घाटी में चीन के कितने सैनिक मारे गए, आज तक चीन ने मृत सैनिकों की संख्या क्यों नहीं बताई, इस मामले में चीन क्यों झूठ बोल रहा है। दरअसल चीन में सैनिक हो या नागरिक, अगर उनकी मौत से सरकार की छवि पर आंच आती है तो उनके शवों के साथ कीड़े मकौड़े जैसा सलूक किया जाता है। चीन में कम्युनिस्ट सरकार की ऐसी तानाशाही है कि कोई इस अत्याचार और अपमान के खिलाफ जुबान तक नहीं खोल सकता। लेकिन गलवाल मामले में जिनपिंग सरकार के खिलाफ लोग नाखुशी जाहिर करने लगे हैं। गलवाल में तैनात चीनी सैनिकों के परिजन यह जानना चाहते हैं कि किन सैनिकों की मौत हुई और किन का अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चीनी नागरिकों में इस बात का रोष है कि जब भारत अपने शहीद सैनिकों को सम्मान कर सकता है तो उनकी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए अब चीनी सरकार का कहना है कि इस बात की जानकारी सही समय पर दी जाएगी। आखिर चीन मौत के आंकड़े को क्यों छुपाता है, चीन में शवों के साथ अपमानजनक आचरण क्यों किया जाता है, चीन में सच बोलना अपराध क्यों है। अगर हम इन सब की बात करें तो चीन ने गलवाल में सैनिकों के मारे जाने की बात तो कबूली है, लेकिन उनकी संख्या पर खामोशी ओढ़ ली है। चीन को डर है कि अगर उसके मृत सैनिकों की संख्या बताई तो उसके शक्तिशाली होने की पोल खुल जाएगी, इससे चीन की सैनिक श्रेष्ठता का दावा खोखला साबित हो जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन नहीं चाहता है दोनों देशों के सैनिकों की मौत को लेकर कोई तुलना हो। चीन की इस खामोशी से खोजी पत्रकारों का काम बढ़ गया है। अलग अलग सूत्रों से अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। चीन की सरकार इन आंकड़ों को गलत बताती रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 15 जून की रात को गलवाल में चीन के 35 सैनिक मृत या घायल हुए थे। एनआई के मुताबिक गलवाल में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए थे। के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर बताया है कि उस दिन चीन के 30 सैनिक मारे गए थे, बाद में इस ट्वीट को हटा दिया गया। फिर क्यों? ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट हटाए जाने के बाद से यह आ जा रहा है कि चीन अपने सैनिकों की मौत के संबंध में बहुत झूठ बोल रहा है। वहीं भारत की सोशल मीडिया में भी इस बात पर खूब चर्चा हो रही है। चीनी सैनिकों के मारे जाने की अलग अलग संख्या बताई जा रही है। क्योंकि चीन मौत का कोई प्रमाणिक आंकड़ा बता नहीं रहा है, इसलिए लोग अलग अलग सूत्रों से इसकी जानकारी ट्वीट कर रहे हैं। ओलिव नाइफ ट्विटर हैंडल पर 128 चीनी सैनिकों को मारने की खबर है। सोशल मीडिया पर हो रहे चर्चे के मुताबिक 15 जून की रात भारत के सैनिकों ने चीन के करीब 200 सैनिकों को घायल किया था। कुछ की तो मौके पर मौत हो गई थी और कुछ घायल हो गए थे, जिनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। और चीन के कई सैनिकों का इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे यह आंकड़ा 100 के पार बताया जा रहा है। इतना तो तय है, चीन मौत के आंकड़े छुपाता है। दरअसल चीन अपने मौत के आंकड़े को छुपाने में उस्ताद है। चीन की सरकार ने जब वुहान में कोरोना से मौत के आंकड़े को दुगना किया था, तब उसका झूठ पकड़ा गया था। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के अखबार डेली मेल की एक खोजी रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन में कोरोना से करीब 1,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। मौत की संख्या को कम दिखाने के लिए कई शवों को आनन फानन में जला भी दिया गया था। बाद में जब चीन की सरकार ने परिजनों के अस्थि कलश सौंपे थे तो उनकी संख्या करीब 20,000 थी, जबकि उसने केवल 4,500 लोगों को मरने की बात कबूली थी। इसी तरह 1989 में चीनी सैनिकों ने थियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक छात्रों को टैंक से भी नोन दिया था, तब करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। चीन में ब्रिटेन के तत्कालीन राजदूत एलन डॉलन ने अपनी सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें 10,000 चीनियों को मारे जाने की बात कही गई थी। लेकिन जब चीन की सरकार ने इस घटना पर आधिकारिक बयान दिया तो सिर्फ 200 लोगों के मरने की बात स्वीकार की थी। इससे समझा जा सकता है कि चीन अपने नागरिकों की मौत पर कितना अमानवीय तरीके से पेश आता है। अब हम चीन के सैनिकों की बात करें तो चीन में हर नौजवान के लिए 2 साल की सैनिक सेवा अनिवार्य है। इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इनकार करने पर कठिन दंड भी दिया जाता है। इस डर से वैसे युवा भी सैनिक बन जाते हैं जिसका इसमें कोई रुचि नहीं होती। इन्हीं युवकों को जबरन सैनिक बनाए जाने से उनके परिजन भी डरे सहमे रहते हैं। जो युवक सैनिक सेवा में नाखुश जाहिर करते हैं उनके साथ ट्रेनिंग कैंप में जानवर जैसा सलूक किया जाता है। सरकार की इस नीति से चीन के लोग नाखुश हैं, लेकिन वे विरोध नहीं कर सकते। लेकिन गलवाल घाटी की घटना में चीनी लोगों के दबे से को बाहर निकाल दिया है। चीन में सरकार विरोधी किसी भी खबर पर कठोर सेंसरशिप लागू है, इसलिए ये खबर बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन सोशल मीडिया की पहुंच ने चीन की दीवार में सेंध लगा दी है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मृत चीनी सैनिकों के परिजन सम्मान न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि चीन ऐसी किसी खबर से इनकार करता रहा है। चीन में सरकार की इज्जत के आगे इंसान की कीमत गाजर मूली से अधिक नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।